जिसने नाम बनाया नाम कमाया पाकिस्तान का नाम रोशन किया उसकी बात करते हैं मुलाकात कराएंगे कि शख्सियत से जो तो दुनिया भर में सही मायनों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं मुल्क का सॉफ्ट इमेज और बेहतर बना रहे हैं जी हाँ बात करें सिलिकॉन वैली के एक बड़े नाम जैन जीवान जी की जैन जीवान जी इंश्योरेंस बिजनेस में सीरियल ऑन्ट्रप्रीनियोर और सिलिकॉन वैली के पांचवी बड़ी इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म इंश्योर वन टू थ्री के बानी भी हैं सी भी हैं ये तो एक कंपनी है लेकिन जी वन जी जिससे उन्होंने आगाज़ वहां पर किया और अभी तो नाउ कंपनीज़ हैं इनकी नॉट जस्ट इन सिलिकॉन वैली अब तो ग्लोबल हैं बट ज़ाहिर है बेस्ड इन सिलिकॉन वैली तो सिलिकॉन वैली में बड़ा नाम मार्शल उन्होंने कमाया उन्नीस सौ अस्सी की दिहाई अमरीका में एक सफ़र का आगाज़ किया और वह सफ़र जारी है और बहुत खूबसूरती के साथ जारी है कि इस मैदान में बेशुमार कामयाबियां समेटी एक लाख अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने ये एक ज़ाहिर सिर्फ सोच नहीं होती एक बहुत प्यारी चीज है जिस पर वो आ, मैं कि एक लेकर एक, एक, को. एक एक लेकर बड़ा लंबा सफर भी थो? है उसके दौरान भी आए होंगे हाँ. अच्छा एक की बात है कि सिर्फ जो है वो हम इनको entrepreneur या मैन हाँ. नहीं कह सकते साथ साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं तो आज जरा yes. हम भी थोड़ी मोटिवेशन लेते हैं हाँ. <laughs> जरूरी साथ. हम सबके लिए स्पेशली के हालात में जब नाउमीदी बहुत ज्यादा है सारे पाकिस्तानियों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए शुक्रिया आप दोनों का और बड़े मुख्तार वक्त के लिए आप इधर हैं पाकिस्तान में दो पर? दिन के तीन दिन के लिए में जी अच्छा अच्छा यहाँ पर सर तो थोड़ा चले सफर से ही शुरू करते हैं कैसे आपने फैसला किया, किया कि मैंने यू एस सी जाना है वहीं पर अपना करियर मैंने सेटल करना है बच्चों को भी आप मेरे ख्याल वहाँ पर बच्चे के इलाज के लिए वहाँ पर मौजूद है मैं चाहूँगी थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं क्योंकि आज कल जो नाउमीदी है ना पाकिस्तानियों में उसको खत्म कर सके हम देखिए मेरा सफर जो है ना वो कोई प्लान आउट नहीं था Uh, मैं कराची में रह रहा था अच्छा खासा मेरा कारोबार था जो मैंने पंद्रह साल की उम्र में मैंने बुटीक खोली थी एक फैशन okay. डिजाइनिंग के लिए और एमेंस के उसमें आई थिंक फर्स्ट बुटीक थी फर्स्ट uh, बुटीक और फर्स्ट कैट वॉक इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मेंस कैट वॉक हमने 1971 में किया था समार एक बुटीक होती थी नाइट क्लब yeah. होती थी मेट्रोपोलिटल में okay. वो सेवनटी में क्या अच्छी भला जिंदगी चल रही थी फिर सेवेंटी नाइन में मेरी बेगम से मेरी शादी हुई एटी में हमारी पहली औलाद हुई बेटी माशाल्लाह मिसबा okay. और उनका इंतकाल हो गया छः महीने के बाद तो उसके छः सात महीने बाद मेरी वालदा का इंतकाल हो गया उसके आठ महीने बाद मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया फिर मेरे तीसरा बेटा अली पैदा हुआ तो अली को भी डॉक्टर ने कहा कि उसको यही तकलीफ है जो मिसबा जिस वजह से इंतकाल हुई और इसका भी ये है कि छः आठ महीने में ये इंतकाल कर जाएगा तो हम उस वक्त मेरा बिजनेस काफ़ी चल गया था वेरी वे वे बिग इन बुटीक पैसे थे तो मैंने कहा इसको अमेरिका ले जाते हैं इलाज के लिए वहाँ इलाज पर ले गए तो जिस दिन उसके इंतकाल हुआ है उस दिन रात को मैं गाड़ी में हॉस्पिटल गया था तो डॉक्टर ने कहा कि ये ये तो ये नहीं बचेगा छः महीने हो गए थे अमेरिका में मैं रात को गैस स्टेशन में काम करता था और दिन में और जॉब्स कहीं और करता तो तकरीबन इक्कीस घंटे दिन के काम करता है क्योंकि यहाँ पे एक कामयाबनस मैन है और वहाँ जाके ज़रा आपको बहुत टफ टाइम देखना भी पड़ रहा है टफ तो नहीं होता है टाँग आपको चैलेंजेस आते हैं ना चैलेंज टफ कोई नहीं होती है जो आपका देखिए जब आप पढ़ने जाते हैं ना कहीं स्टैनफोर्ड में जाएं हार्वर्ड में जाएं ये वो आपको मुश्किल नहीं सिखाते हैं उनसे लड़ना और उसमें आगे बढ़ना सिखाते हैं तो जो मुश्किल आपको पढ़ती है वो कोई मुश्किल नहीं होती वो सिर्फ लेसन होते हैं सबक होते हैं। क्या आप सबक कहते हैं साठ अस्सी हज़ार डॉलर साल के देंगे पढ़ने के लिए आपको लेसन मुफ्त में मिलता है आप उसको सीखे आगे बढ़े आगे बढ़े ठीक है तो वो खैर उसको ले गया इलाज के लिए छह महीने उसका इलाज किया तो वो मैं जो इक्कीस घंटे कहता हूँ क्लैरिफाई कर दूँ दो रात को गैस स्टेशन पर छुट्टी मिलती थी दो रात दिन को छुट्टी मिलती थी तो तीन दिन में लिटरली काम करता था उसमें भी काम पर कभी रात को सो गया को गैस स्टेशन में आके उठो यार तो पैसे रहो बल्कि ये बात बताने वाली है अमेरिका में तो मैं काम कर रहा हूँ रात को गैस स्टेशन में बैठा हूँ okay. और चूंकि पूरे दिन काम किया है पूरी रात काम कर रहा हूँ hmm. तो नींद आ गई और सो गया हूँ उस वक्त जमाने में पंप खुले होते थे सब सर्व नहीं होती थी आप सर्व करते थे ओके बंदे ने गैस पर रात के तीन बजे Hmm. उसने भर लिया है वो दरवाजे पर आता है मेरे मार रहा है उठो पैसे लो मुझसे oh. hmm. जो वो चोरी कर सकता था वो सारे करता था बात अब की बात नहीं है ये एटी थ्री की बात है तो खैर वो एटी थ्री में ये हुआ फिर मेरे बिल्स चढ़ गए काफी सारे बहुत बहुत ज्यादा इतने बिल्स के आप सोच भी नहीं सकते तो <coughs> बेटे का भी इंतकाल हो गया अब आप सोचें कि मेरे यू you नो know, बेटी फिर माँ फिर बाप फिर बेटा और 28 तीस महीने में अच्छे खासे आदमी की झटका लगता है बिल्कुल ही है तो मैं सबको कहता हूँ कि मेरी माँ की दुआएं मेरे वाले साहब की एथिक्स और एक और जादू जो हर मुसलमान को दिया हुआ है वो जादू का नाम आप किसी को बताइएगा नहीं फजर नमाज सबको पता चल सब मेरे तरह हो जाएंगे सक्सेसफुल अल्लाह करे हो जाए। किसी को नहीं बताइएगा सब पढ़ेंगे तो सब मेरे तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे फजर नमाज वो पहले सुबह ही सुबह आपको एक्सरसाइज देता है सुबह सुबह सूरज निकलते हुए देखते हैं और फिर मैं एक और एक प्रैक्टिस करता हूँ मैं जो सबको होप के लिए बात करता हूँ जब आप पाकिस्तान में हों फजर की नमाज़ पढ़ें और फिर आप ये करें कि सुबह को जा नमाज पर बैठ के नमाज़ पढ़ने के बाद अपने आप मैं तीन चीज़ करता हूँ बैठता हूँ और सोचता हूँ कि गए 24 घंटों में 24 घंटों में मुझे किन लोगों ने मोहब्बत पैसा और वक्त निकाला मेरे टाइम मनी एंड लव तो मैं सोचता हूँ तो मैं उठता हूँ कहता हूँ वाहो यार कल आ, आपका नाम शो शो साहब तो मैं आ, मैं कहता हूँ यार शोब ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे इज़्ज़त दी मुझे इतनी इंस्पिरेशन किया कितना मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ जुनेद मुझे ड्राइव करके ले आए उधर से सुखर्दा से फ्लाई करके आए तीन चार दिन बैठे मैं कितना खुशकिस्मत आदमी हूँ तो मेरा दिन क्या होता है

नहीं होती तो उसके बाद आपको ज़्यादा याद आ रही होती है सर पहली कंपनी कैसे आपने स्टार्ट की थी इस वक्त ऑन्टरप्रीनोर्स भी हमें देख रहे हैं काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी हमें देख रहे हैं जो चाहते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें किसी तरह मैं चाहूँगी कि वो जर्नी भी थोड़ी सी हमसे तो शेयर करें पहली कंपनी तो मेरी कराची में थी वो क्लोजिंग की थी वो हुआ ये था कि पाकिस्तान में सेवेंटी में वॉर हुई तो वो मुल्क टूट गया फिर उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हुई तो हम अपने कराची में रहते थे मेरे वाले साहब की तबीयत भी ख़राब थी तो हमने डिसाइड किया मैंने कि मैं वो ग्रामर स्कूल से निकला मैं कराची ग्रामर का पढ़ाऊँ hmm. तो मैं उधर से निकल के इंस्टेड ऑफ़ गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन मैं अपने माँ बाप को सपोर्ट करूँ hmm. मेरे बड़े भाई लंड जा चुके थे छोटे भाई वो टू यंग तो मैंने वो एक hmm. लीवाइज की जैकेट होती है वो मैंने सोचा कि इसकी कॉपी बनाऊ और ये ट्रेंड शुरू करूँ okay. तो उस वह डैनम का किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान के डेनिम क्या चीज़ है hmm. तो मैंने एक कैनवस लिया थोड़ा सा उसको मैंने पाकर इंक वेंट बो के उसको बना के वो जैकेट शुरू की वो सेवेंटी वन में हुआ और बाई एटी थ्री हम लोग मैनुफैक्चर कर रहे थे सारी जगह मार्क्स एंड पेंसिल्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे वो बिजनेस हो गया था फिर अमेरिका में कैसे स्टार्ट फिर है? अमेरिका में ये हुआ कि जब बेटे का इंतकाल हुआ इतने रह गए तो मैंने कहा और लोग होंगे दूसरी जगहों से आते होंगे जिनको यही मसला होगा तो मैंने अमेरिका में सबसे पहली एक इंश्योरेंस कंपनी खोली जो अंदर आने वाले विजिटर्स इंश्योरेंस की कंपनी खोली फर्स्ट इन अमेरिका लेकिन मैं आपको एक और सीक्रेट फजर देख दी एक और ये चीज़ है कि मेरे साथ आई एम राइटिंग ए बुक उसका टाइटल है आई गेट एवरी थिंग इन लाइफ टू डेज बिफोर आई नीड इट मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में वो दो दिन पहले ही आ जाती है मुझे hmm. मुजजे की तरह ओके okay. तो हुआ ये कि अल्लाह ने देखा कि बेचारे जहन बड़ा तकलीफ़ में है पैसे पड़े हुए बिल तो उसने अल्लाह मिया ने एक कंपनी ईजाद की सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर ईजाद किया इंडिया से लोग भेजे हज़ारों इंडियंस को कहा कि वो वह कंपनीज खोले सिल्कन वैली में उन्होंने कंपनियाँ खोली वो अपनी बेगमात को इंश्योरेंस नहीं देते थे सिर्फ जो इम्प्लॉई उनको देते थे बेगमात के पास टैक्स आईडी नहीं था तो अल्लाह मैंने सारा प्लान किया था मेरे वजह से <laughs> तो वो फिर वो मेरे से वो जो प्रोडक्ट मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था वो ये बेचने लगे ओके इंश्योर एवरी वन इन सिल्कन वैली सिल्कन वैली फिर मशहूर हो गई वी बिकेम तो वो मेरा पहला बिजनेस और अब तो तो नौ हैं। तो नौ नौ हैं और और भी है छोटे अच्छा। बडे मैं करते रहता हूँ <laughs> जो मिलता है मेरे बच्चे मैं जब गहरा ना कहते हैं अच्छा आपने कितने कितने बंदों के साथ कंपनियाँ खोली <laughs> तो, करते रहते एक लाख लोगों को रोजगार के मौके फ्राहम करना ज़ाहिर ये एक बड़ी अचीवमेंट है ये सोचा था कि इस तरह से चलना है कि रोजगार के माक हों या कि बस वो चूंकि बढ़ता गया तो लोग नहीं, नहीं, ये, ये, कर दो, एक, एक लाख अभी वो शुरू नहीं अच्छा, किया जो पाकिस्तान की करेंसी देखें हम वो दुनिया में प्रॉब्ली लेबर इंटरज की वजह से बहुत सस्ती है एक मैं आपको जो तनख्वाह से बुलाऊ अगर यहाँ काम करूँ बशरत है आपकी टैलेंट का मैं बंदा अमेरिका में रखूँ तो डिस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है उसको मुझे बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल ठीक पाकिस्तानी और ये मैं अटल कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि आप हमें किसी बजुका में डालें और फायर करें और जाके दुबई में फेंक दें मुझे आप लंडन में फेंक दें आप अफ्रीका में फेंक दें अमेरिका में कहीं ऑस्ट्रेलिया में फेंक दें मैं उस फील्ड में एक्सेल करूँगा किसी भी गोरे को किसी भी इंडियन आई विल एक्सेल उनसे अच्छा करूँगा क्यों हम इधर नहीं कर सकते ये बड़ा अहम सवाल है वही आदमी वही आदमी है वही आदमी वो उसको गन से फायर करें कहीं फेंक दें वहाँ वजह कि हम खुद आपस में मौके नहीं देते अपने आप को हम खुद ही नहीं तो उस और ये बहुत लंबी दास्तान है कि किसको फिक्स किया किस तरह किया जाए तो मैंने एक कदम ये उठाया मैंने कहा कि देखें डिस्पैरिटी है इनकम की और ए है जेन आई आर है बिल्कुल तो इस वक्त तो मैं कहता हूं कि मजहब की तरह जनाई को हमें अडोप्ट करना चाहिए प्लेइंग लेवल जो है फ्लैट हो गया राइट right. अभी ईजी है किसी को भी कुछ करा hmm. लेकिन उसमें शॉर्टकट्स ना करें हम एक हमारे मुल्क की बढ़ाई है और एक ही उसी अल्फाज में हमारी डिस्ट्रक्शन भी है वो एक वर्ड है वो है वह जगाड़ राइट अगर ये, ये मै कप अभी टूट हाँ. जाए और सारे कप वाले बोलेंगे बन नहीं सकता

तो जो हम टीवी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इतनी डिलीवरी पर कंपेयर करें आप करें, नहीं ये मैं नहीं मैं आपसे उससे आपकी आदत खराब हो जाएगी आप अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करोगे hmm. हम ये नहीं करते वर्क फॉर फिनिश वर्क फॉर एक्सलेंस वर्क काम खत्म करना है उसको मैं जब तक जब आप मुतमिन जब आप फैशन का ना यू फील इट I do. <laughs> फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप बैडली you you right? exactly. yeah. जाएगा। मैं सुबह जो मुझे उठाना है मुझे कलर मैं मैच कर रहा था कि कौन सा मुझे अच्छा Four मिनट्स में लेट हो गया Because मैं इसे syrup कह रहा था कि कौन सा इसके ऊपर मैच करेगा okay. क्योंकि मेरी आदत खराब होगी को। एक दूसरा चेस द फिनिश लाइन नॉट द कप आप ये नहीं देखे कि मैं इतना पैसा बना रहा हूं। वो okay, मैंने ये कप बनाना है कि कभी कभी आपका कप कभ नहीं बनेगा hmm. लेकिन आपको कोई रिग्रेट नहीं होगी आप उसको मोड़ के अच्छा यूं करता हूं यूं करता हूं अगर आप पैसों को चेज करोगे तो कभी मुतमिन नहीं होगा अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो पैसे फॉलो करते हैं प्रोडक्ट अच्छा नहीं आता जाता आपकी आदत हो एंड यू राइट यू राइट प्रोडक्ट को ऐसा बनाए और प्रोडक्ट नए नए चीज देखिए दुनिया अभी जो एआई आई है ना ये इट्स अ गेम चेंजर ये हमने वेव हमने डॉट कॉम का वेव मिस कर दिया हमने इसका वेव हम तो वेव आते हम बैठे रहते हैं आराम से सोए देख रहे हैं हाँ। ये है। इस वक्त आपके पास एक एसेट है सबसे बड़ी एसेट इस कंट्री की है आपकी 120 or 130 million under 30. Yes. 130 30, right? yes. काम लिया जा सकता है पाकिस्तान के लिहाज से हालात भी आपके सामने हैं। काफी लोग नाउमीद भी हम यही कहते हैं कि नाउमीद नहीं होना चाहिए आपको खुद रास्ते निकालने और साथ साथ उम्मीद आपने जरूर रखनी है पाकिस्तानी ऑन्टरप्रीनोर्स को पाकिस्तानी यूथ को कैसे एम्पावर करने का आप सोच रहे हैं अभी या ऑलरेडी काम भी इसके ऊपर आई श्योर आप कर भी रहे होंगे क्या प्लान्स हैं आपके देखिए अभी हम अभी सकर्द में मिले थे कुछ बत्तीस तीस आदमी और सारे सिली से आए पाकिस्तान से आए सोचने के लिए हुँ. कि अब क्या किया जाए हम जिस मरले पर खड़े हमारे पास दो चॉइसिस हैं एक तो हम रोते गए यार हम इधर आ गए हैं पता नहीं किसने अम्मी ने खाला ने चाचा ने बिल्ली ने मुझे यहाँ ले दिया hmm. या आप कहें मैं इधर खड़ा हूँ ऐसे hmm. मेरी आप ले लें स्टोरी hmm. आप अब सोचें कि दो बच्चे फौत हो गए वालदा की मेरी hmm. वाइफ और एक बेटी उधर है और हम मैं रात को काम करते मैं ये करता हूँ यार ये मुझे मेरे साथ ही होता है ये मैं कहूँ मैं इससे निकलूँगा आई विल कम आउट ऑफ इट आई एम नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन शोएब सबीन और एनी वन एल्स आई डो इट माई सेल्फा आई एम to चेंज माई कंडीशन आपके साथ जिंदगी में जो अभी मैं योगा कर रहा था इधर ही में फजर के बाद बैठ के हम लोग योगा एक तो एक ऑफ़ डेविंग वाले हैं नहीम जमींदार था वो हमें उन्होंने एक सवाल पूछा सारे कमरे में कि वाट आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट वाट आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सब ने जवाब दिया मैंने जवाब में आई सर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वन एंड एवरी थिंग ओके okay, अच्छा वो आपका पड़ा है पीछे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है हम अपनी सोच से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देखें आप दुनिया को, देखे, मैं हाँ से बाहर को, निकले। को देखे। आप मैं से देखेंट फिर आप आगे बढ़े तो ये जो हंड्रेड का मेरा ड्रीम ये है कि इस वक्त बहुत वैक्यूम पड़ा हुआ है अगर हम मेहनत से काम कर सकें तो मुझे मुझे चाहिए कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग लोग जिनको एक्सेल आती हो आउटलुक आती हो वो वर्चुअली मेरे लिए काम करें अमेरिका से अमेरिका hmm. में इंडस्ट्रीज जो है जो छोटे काम की उनके पैसे और इकॉनमी वो कुछ ज़्यादा जॉब्स बहुत है उधर तीन hmm. चार सेक्टर्स से, मतलब तो बेषतर जॉब है शॉर्टेज है उनकी Achha. वो रिमोटली आप काम करें hmm. पाकिस्तान लेकिन हमें काम करना पड़ेगा मेहनत से फॉर कंप्लीशन नहीं फॉर वाह

अगर हम पाकिस्तान में देखें अल्लाह तो आपको महफूज रखे हर बीमारी से दूर रखे मेरी दुआ लेकिन जनरली पचास के बाद ना वो, वो डायबिटीज के के बाद भी हाँ, के बाद भी भी <laughs> वो ये बीमारी वो वो दवाई वो ऐसा एनर्जी लेवल्स <laughs> लो एनर्जी कम हो जाएगी जब <laughs> मैं जाऊंगा के होंगे बट जनरली हम देखते हैं यहाँ पर तो रिटायरमेंट प्लान बन रहे होते हैं अच्छा जी पचास पचपन रिटायरमेंट प्लान क्या है आपका रिटायरमेंट प्लान के बारे में कोई नहीं पूछता आपसे लास्ट ईयर लास्ट ईयर एक uh, थोड़ी सी कुछ एग्जिट हुई थी हमारी एग्जिट कहते हैं जब कंपनी आपकी बिक जाए या कोई okay. तो हमारी एग्जिट नहीं हुई थी एक्चुअली एक कंपनी थी जिसके साथ मैंने मर्ज किया था फिर ये uh, सात साल के बाद उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया मैंने अपना हिस्सा ले लिया ठीक है और उनके हिस्से को हमने काफ़ी बढ़ा दिया था तो उनको हमें कुछ नावजा देना था काफ़ी अच्छी खासी रकम थी बड़ी रकम थी तो मैंने घर आके मैंने सोचा है बहुत तो अमेरिका में ये होता ही है कि जब आपको कोई ऐसी रकमें आती तो है okay. तो उसमें टैक्स रखता है अच्छा ओके आधा तकरीबन टैक्स वो चले जाता है आधा आपके पास रहता है तो मैंने एजुकेशन में कुछ करना था मैंने कहा किस तरह किया जाए अगर मैं लेता हूँ आधा कुछ याशियाँ करता हूँ घूमता फिरता हूँ मज़े करता हूँ और कुछ देता हूँ पाकिस्तान को तो इतना जाएगा राइट right. लेकिन मैं सारा दे दूँ तो जो टैक्स को जा रहा है वो भी नहीं देना पड़ेगा सारा पाकिस्तान में इम्पैक्ट पड़े मैंने कहा सारा दे देता हूँ okay. मैंने वो डिसाइड किया पहले बेगम क्या एंड मेरी मेरी जो जिंदगी में सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरी वाइफ है मैं इतना लकी आदमी हूँ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं चौलीस फोर्टी फोर ईयर्स हो गया मेरे साथ अगर वो ना हो ना क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ टीम पर मेडल मिल रहा है मुझे कहीं जाता हूँ तो मेडल मुझे मिलते हैं उनको कोई नहीं पूछता शी इज द रॉक पी इन माई लाइफ शी इज द रॉक उसके बजट कुछ भी नहीं तो खैर अच्छा उसे भी एग्री किया कि हम दे देते हैं सारा अच्छा फिर मेरी मैंने फिर अपने फैमिली के व्हाट्सएप पर डाला कि मैं सारा दे रहा हूँ जो कुछ भी है आप लोगों को नहीं मिलेगा सब कुछ सब दे रहा हूँ ठीक है तो एक सेकंड मैंने वो सेंड भी नहीं किया व्हाट्सएप में उससे पहले बेगम बेटी का रोड़ते हुए फोन आ गया चालीस साल की है थर्टी एट की है वो रोड दौरा शुरू हो गई मैंने कहा काम डाउन जाना काम डाउन कहते हैं that you always talk about giving, I'm so proud Mashallah. that you actually did it, Mashallah. I'm so happy, I can't stop crying. Mm -hmm. I'm like, thiek, ek do I said okay, I got a call from my son Zubair, that dad you should have kept a little bit but you know you did it, this is the way to live. Just give it away and we're here, you'll just have a life the way you live, we know you, you'll continue to live. The younger son, Zeeshan, he didn't even call.

नहीं लेकिन ज़ाहिर है एक घर का माहौल है ये बात करना इसलिए बहुत अहम है जिस हमने खुद कहा ना अपने आगाज़ में भी और अभी भी बात की कि पैसे के पीछे नहीं भागना चूँकि हम यही देखते हैं कि पैसे के पीछे भागा जाता है और फिर आप बस भागते ही रहते हैं और थक जाते हैं तो पैसे के पीछे नहीं भागना वाह फैक्टर बहुत अहम है अपने काम में एक्सेलेंस लेकर आना बड़ा है जो भी आप करें नो मैटर हाउ लिटिल यू आर डूइंग उसे इतना अच्छा करें

And को आप एम्पिस करें hmm. आपके ऊपर जिम्मेदारी है आपके ऊपर मीनिंग जो ओल्ड जनरेशन है hmm. कि जब बच्चे बड़े हो रहे हो तो अगर फोन आता है बेटा ये ना कि अबू जमीन खाला का फोन है आप घर पर हो या नहीं hmm. अगर मेरे फोन आए ना तो मैं बेटे को कहूँ कि वो जबीन का फोन है मत लेना तो पता क्या बट डेडियो yes. हम क्यों ट्रेन कर रहे हैं अपने बच्चों को फॉर द फ्यूचर